मेरे को आज तुम लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? क्या चल रहा है हमारे यूट्यूब पे भाई? क्या 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 हो रहा है इंडियन यूट्यूब पे? लास्ट वीक 2 यूट्यूबर्स अरेस्ट हुए, उन्होंने क्या किया था? दैट वाज सो फक्ड अप, व्हाट द फक भाई, क्या चल रहा है? कौन सी टाइमलाइन में आ गए हैं हम लोग भाई? अरे अपने चैनल पे पता नहीं कितनी बार बोला कि हम गलत टाइमलाइन पे है, दिस वॉज नॉट द टाइमलाइन इंटेंडेड फॉर अस। मेरे को नहीं लगता कि आपको इस टाइमलाइन पे होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड। अगर तुमको नहीं पता क्या हुआ लास्ट वीक, तो एक यूट्यूबर रेसिस्ट हो गया, उसने रेसिस्ट रिमार्क्स दे दिए एक एमएलए को, एक पबजी प्लेयर ने एमएलए को रेसिस्ट रिमार्क्स दे दिए। भाई तू क्या सोच रहा था, ठीक है क्या? व्हाट द फक, सिर्फ एमएलए को नहीं पूरे स्टेट को रेसिस्ट रिमार्क्स दे रहा। तुमको आगे चल के बताता हूँ मैंने उसने क्या बोला। पर दूसरी चीज जो उससे लाइक बहुत कहीं गुना फक्ड अप है, एक यूट्यूबर गौरव जोन करके, उसने अपने डॉग पे हीलियम बलून्स बांधे और उसको उड़ा दिया भाई। आई एम नॉट इवन किडिंग, वो भाई ओपन एरिया में, कोई ऊपर रोकने के लिए चीज़ नहीं है, उसको सेकेंड फ्लोर तक चला गया था। वहाँ पे किसी बंदे ने उसको पकड़ लिया। अगर वो ना पकड़ पाता क्या हो? भाई मैं वो वीडियो देख रहा था, मेरे को एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे थे। जब मैंने चैनल शुरू करना था, मैंने सोचा था यार गौरव जोन पे वीडियो नहीं बनाऊंगा कभी, लाइक उसके अराउंड जो चीज़ें होती है वो टॉक्सिक हो जाती है, ठीक है? और मेरे को अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होता है, मैं ऐसी टॉक्सिक चीज़ों में नहीं जाता। बट हियर वी गो, आओ गौरव जोन की बात करते हैं। मैं शॉक्ड हूँ कि वो ऐसा कर सकता है, पर मैं शॉक्ड नहीं भी हूँ क्योंकि वो ऐसा कर भी सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू फील। वो ऐसा कर भी सकता है कि वो भी ऐसा नहीं कर सकता, और ये वो कर भी सकता का जो सेंटीमेंट आता है वो, अगर तुम उसका अर्ली लाइफ सेक्शन देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम एक यूट्यूब पे बेसिक सर्च मारोगे, लाइक उसने ओवर द इयर्स जो जो चीज़ें की है, मैं यूट्यूब पे बहुत साल से हूँ, मैंने बहुत चीज़ें सुनी है उसके बारे में। मैं उसके आजकल उसके अराउंड बनती वीडियोज़ भी नहीं देखता। इट्स जस्ट नॉट माई थिंग भाई। बट आई डोंट नो, आई स्टिल बिलीव कि भाई ह्यूमंस इस लेवल तक नहीं जा सकते भाई। लाइक उसने उसको पैराशूट नहीं, कोई चीज़ नहीं उसको पकड़ने के लिए, बस एक बंदा है। अगर वो लेजिट उड़ जाता भाई, दैट्स सो फक्ड अप, होली शिट। उसके बाद जो उसने अपोलॉजी वीडियो बनाई, उसमें वो बोल रहा है कि मैं डॉलर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं भी एक पेट लवर हूँ और डॉलर और मेरे एक बहुत स्पेशल प्यार है, मैं भी उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता हूँ। बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उड़ाया क्यों? उड़ाया ओ भाई, मेरे पेरेंट्स मेरे को बलून से बांध के नहीं उड़ाने वाले, तेरे पेरेंट्स तेरे को बलून से मार के नहीं उड़ाने वाले, किसी के पेरेंट्स किसी को बलून से बांध, कोई अपने बच्चे को बलून से बांध के नहीं उड़ाने वाला भाई, कोई अपने बच्चे को ऐसे ट्रीट नहीं करता। ये नहीं होने वाला कि कल मेरी मम्मी बोले यार 20 साल से मैंने इसको बहुत प्यार किया पर आज इसको मैं बलून से बांध के उड़ा दूंगी, ये नहीं होने वाला भाई। प्यार करना बहुत देर डज नॉट जस्टिफाई कि आप उसको उड़ा दो, उसको उसको बलून से बांध, कैसी जस्टिफिकेशन आई है भाई, क्या सोच रहा था तू? ऑल्सो इसने जो अपने अपोलॉजी वीडियो डाली, इसमें उसने डॉलर और अपने वीडियोस डाले और इमोशनल म्यूजिक डाला उसके ऊपर। वी कैन सी थ्रू इट मैन, वी कैन सी थ्रू इट। लाइक तू डॉलर को यूज़ कर रहा है जस्टिफाई करने के लिए कि मैं इससे प्यार करता हूँ, बट जिससे प्यार करते हैं उसके साथ ऐसा नहीं करते। आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस, ठीक है? लाइक वी कैन सी थ्रू इट भाई। इसमें तो पीता वाले भी नहीं कुछ कर सकते, वो ह्यूमंस के खिलाफ एक्शन लेते हैं, इसमें ह्यूमन का पे है। एक तो उसने ऐसा काम किया, ठीक है, ऊपर से हर न्यूज चैनल चला रहा है यूट्यूबर अरेस्टेड फॉर दिस। अब जिसको यूट्यूब के बारे में नहीं पता वो क्या सोचेगा, यूट्यूब पे ये सब होता है क्या? अब मैं किसी को बताऊंगा मैं यूट्यूबर, वो क्या सोचेगा? थैंक यू भाई, तुमने यूट्यूब का नाम रूइन कर दिया, लाइक थैंक यू इंडियन लोगन पॉल। अब दूसरे की बात करते हैं, जो दूसरा बंदा अरेस्ट हुआ, पिछले साल पबजी बैन हो गया था इंडिया में, ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। मैंने शायद वीडियो बनाई थी उस पे। अब नई गेम आ रही है ये पबजी वालों की, मेरे को ज्यादा पता नहीं यार, आई एम नॉट अ पबजी प्लेयर। एक अरुणाचल के एमएलए ने बोल दिया ट्विटर पे के ये गेम मत आने दो, ये भी सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है? अब ये जो पबजी प्लेयर है ये गुस्सा हो गया, ठीक है, उसने अपनी वीडियो में बोला, इनकी फोटो दिखाई, बोला कि ये इंडियन नहीं लगते। उसने बोला अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर के बिल्कुल पास है, तो ये इंडियन नहीं है, ये चाइना का ही मान लो। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको,
ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है एक तरह से, उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है। इस पे मैं पर्सनल ऑफेंस भी लेता हूँ, मेरा जो स्टेट है वो पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल साथ है। क्या 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 पाकिस्तान का मामले चूटी है क्या भाई? कहाँ से लाते हो ऐसा दिमाग? एक तो जो ये स्टेटमेंट है कि इसको चाइना का ही मान लो, इट्स रॉन्ग ऑन सो मैनी लेवल्स। अगर तुम्हें वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में ज़रा सा भी पता है तो तुम्हें पता है कि यही दिक्कत है, चाइना अपना ही मान लेता सब कुछ। लाइक इसको बताओ, जो जॉन सीना के साथ अभी रिसेंटली हुआ, बताओ इसको, इसको बताओ कि 3-4 साल से क्या चल रहा है, इसको थोड़ी पॉलिटिक्स पढ़ाओ, इसको पता चले भाई। This statement is so wrong. What the fuck? जो सेवन सिस्टर्स हैं इनको, लाइक इनके साथ पहले बहुत लोग इनको ठीक नहीं ट्रीट करते, ठीक है? एंड ऊपर से ये यूट्यूबर हंसते हंसते बोल रहा है ये इंडिया के नहीं लगते हैं, ये इंडियन नहीं है, ये चाइना का ही मान लो। तूने अपना दिमाग बलून बाट क्यों डाल दिया था क्या भाई? कि क्या बात कर रहा है? ऊपर से ये बोल रहा है कि मेरे से गलती से निकल गया, उसको एडिट आउट कर देता भाई, उसको उसको एडिट आउट कर देता। वो MLA है, तू पबजी प्लेयर है, वो इंडिया के लिए काम करता है, ठीक है? तो उनको कह रहा है वो इंडियन नहीं है, तू गेम्स खेलता है, तू तू इंडिया के लिए वैसे भी नहीं कुछ कर रहा, वो कर तो रहे है। एक वीक में 2 यूट्यूबर्स अरेस्ट हो गए, सब आर्टिकल्स छाप रहे हैं, इंडियन यूट्यूबर्स अरेस्टेड। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं यूट्यूब का तुम, लेट्स गो भाई। बॉर्डर को सबसे पहले ये आइडिया आया, उसने फिर रिकॉर्ड किया, उसको रिकॉर्ड करते वक्त ये नहीं लगा कि भाई ये थोड़ा डेंजरस है, उसको एडिट करते वक्त नहीं लगा कि भाई ये नहीं डालना चाहिए। लोगन पॉल के साथ सेम हुआ था। इस वीडियो में कुछ सीखने को नहीं है, ठीक है? क्योंकि सबको पता है अपना पेट उड़ाना नहीं है, उसकी रक्षा करनी है, और सबको पता है कि रेसिस्ट नहीं होना पूरी स्टेट के लिए तो बिल्कुल नहीं होना। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि इंटरनेट पे एक आने के लिए फॉर्म होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए कि इंटरनेट पे कैसे पेश आना है। पेट्स अडॉप्ट करने के लिए भी होना चाहिए। अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है, क्या तुम्हें अपने डॉग को हवा में उड़ाना चाहिए, येस और नो? आई डोंट थिंक कि भाई इट्स रियली हार्ड कि तुम अपने डॉग को हवा में ना उड़ाओ। आई थिंक इट्स फेयरली ईजी कि तुम अपने डॉग को हवा में ना उड़ाओ। चलता हूँ मैं भाई, काफ़ी अजीब वीक था पिछला, काफ़ी अजीब आर्टिकल्स पढ़ने को मिले, तो चलता हूँ मैं। अपना ध्यान रखना, अपने डॉग्स को हवा में मत उड़ाना, पूरी स्टेट को रेसिस्ट रिमार्क्स मत देना, एंड आई थिंक यू विल बी फाइन पेंटिवर्स, ठीक है?